झारखंड के नतीजों ने यह बता दिया है कि जब महागठबंधन एकजुट होता है तो चुनाव लड़ता है, क्या बिहार में भी जो चुनाव लड़े जाएंगे एकजुटता के साथ लड़े जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने गठबंधन बनाया और जो तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था, काफ़ी अच्छा रहा। खास तौर पे जो जनता के जो मुद्दे थे, उस मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और मुझे खुशी है कि झारखंड की जनता ने मुद्दे पे जो है वोट करने का काम किया है, जनादेश देने का काम किया है। हम लोग देख रहे हैं देश में जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी है, नफरत फैलाया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आर्थिक मंदी है, देश का जीडीपी जो है वो गिरता जा रहा है। और झारखंड की जनता ने देखा, भाई 19 साल बिहार झारखंड को बटे हुए हुआ, 19 साल में से 16 साल मौका भाजपा को मिला, फिर भी झारखंड जो है वो पीछे है, गरीब है। संतोषी, आपको पता होगा, बेचारी बच्ची जो है भात कह करके उसकी जान चली गई। तो जहां भाजपा का डबल इंजन का सरकार, जहां भुखमरी से जान जा रही हो, बच्ची की मौत हो रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहां स्थिति क्या थी। तो हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाया, जनता ने साथ दिया। बहुत सारे नेता आए, सारे पक्ष विपक्ष के लोग आए, जहाँ एक दूसरे के लोग कट्टर विरोधी हैं, जैसे सीपीआई और ममता बनर्जी एक ही स्टेज पर दिखी, क्या ये विपक्ष की एकता? ठीक है, सबका लड़ाई लड़ने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मकसद तो एक ही है ना। हम लोग जो है सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी, लोहिया जी, जेपी जी, कर्पूरी जी, अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन संविधान के जगह पे अगर गोवलकर का बंच ऑफ थॉट्स रख दिया जाएगा और गांधी जी के जगह पे नथुराम गोडसे की पूजा होने लगेगी, तो हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। बाहर निकल जाइए। आप देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से भाजपा शासित राज्यों में और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने संवैधानिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है, ये उचित नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और वो उनकी जो सेवा है वो सबों के लिए है। उनका जो संवैधानिक जो पद है वो संविधान को मानते हुए है, और संविधान में मानने वाले लोग जो हैं वो धर्म और जाति देख करके भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये कहना उचित है।